एसयूवी का नाम बनाने वाला और एसयूवी के प्रति लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा एक नया जनरेशन लेकर इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस स्मार्ट कार रिव्यू में। मेरा नाम है सौरभ, जहाँ आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की द मोस्ट पॉपुलर इंडियाज कस्टमर टॉप सेलिंग एसयूवी मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा एसयूवी कार के बारे में। यहाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी विटारा ब्रिजा का एक नया जनरेशन लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि हमें बहुत से नए फीचर्स और बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और कुछ नया जनरेशन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बजट सेगमेंट में मारुति का बहुत बड़ा नाम है और एसयूवी की ट्रेंड को देखते हुए मारुति भी इस पर खूब फोकस कर रही है। तो वहीं दोस्तों, मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा एक ऐसा नाम है, जब इस कार को मारुति सुजुकी ने इंडियन मार्केट में उतारा था तो उस टाइम पे फोर्थ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का जो सेगमेंट था काफी नया नया था। तो वहीं लोगों ने नया प्रोडक्ट देखकर लोगों ने काफी अट्रैक्ट हुए और पसंद भी किए थे, और स्पेशली मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया और दिल से चाहकर खरीदा था। तो काफ़ी पसंदीदार एसयूवी बन गई थी, और जब ये एसयूवी लॉन्च हुई थी तो रोड पर चलते वक्त हर एक दूसरी गाड़ी विटारा ब्रिजा ही देखने को मिल जाया करता था। और वहीं दोस्तों, इस एसयूवी कार में आपको 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन आया करता था, जो कि काफ़ी मशहूर था और चलने में भी काफ़ी आसान हुआ करता था, और माइलेज भी इस एसयूवी कार की काफ़ी अच्छी थी, और साथ ही ये थोड़ी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची सी दिखती थी। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे मारुति सुजुकी की अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रिजा से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी ये स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, जब ये एसयूवी लॉन्च हुई थी और उस टाइम पर हैचबैक कारों की चलान काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आने के बाद से लोगों को एसयूवी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और क्रेज आने लगा था। लेकिन आज के डेट में देखिए और उस टाइम पर देखिए तो सिर्फ डीजल में आया करती थी, तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं पेट्रोल की कमी महसूस हुआ करती थी, और वहीं अब सिर्फ ये पेट्रोल में आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को डीजल में कमी महसूस निकलती है। और आज के समय में ये एसयूवी फीचर्स वाइज भी काफ़ी आउटडेटेड होने लगी है, और वहीं लोग हमेशा कुछ नया देखना चाहते हैं। तो जो सेगमेंट के अंदर और काफ़ी कंपनियां अच्छे फीचर्स ऑफर करती है, तो दूसरी गाड़ी के अंदर फिर वो प्यार नहीं रहता और गाड़ी के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है। जैसे इसके अंदर छोटा इनपुट सिस्टम हो गया, सनरूफ नहीं आए, और जैसे आज के गाड़ियों में जो मॉडर्न फीचर्स आ रहे हैं वो नहीं आए, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगता है कि यार कंपनी को अपडेट करके देखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा की नेक्स्ट जनरेशन की कुछ फीचर्स डिटेल लेकर आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रिजा की। तो दोस्तों, बात कर ले सबसे पहले हम इसके लुक्स और डिजाइन की। तो आने वाली मारुति सुजुकी की विटारा ब्रिजा नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एक नए मस्कुलर डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक की। तो सामने की तरफ आपको एक नई सुजुकी की बेजिंग के साथ अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाएगी पहले से ज़्यादा विटारा ब्रिजा को। और साथ ही आपको न्यूरी डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नई LED DRLs, नए डिजाइन की टेल लाइट, सरफेस एंटीना, ORVM विद टर्न इंडिकेटर, SUV स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में सरफेस एंटीना, रूफ रेल और टायर के साथ आपको R18 R17 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की स्टील व्हील या अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नई एसयूवी कार में आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये थी इसके एक्सटीरियर लुक। दोस्तों, वहीं अब बात आती है इसके इंजन पावर की। तो पहले जो विटारा ब्रिजा एसयूवी कार के इंजन में जो इंजन आया करता था 1.3 लीटर इंजन था, लेकिन अब उस इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बिकॉज बदलते जनरेशन को देखते हुए जो नई जनरेशन विटारा ब्रिजा एसयूवी अब जो इंजन आएगी वो रह सकता है 1.5 लीटर का मिड हाइब्रिड BS6 इंजन, जो कि 104 PS के करीब पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के साथ आपको दो ट्रांसमिशन की ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक होगी। और वहीं आप इसकी माइलेज की बात करो तो इसमें आपको मैनुअल के साथ 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही होगी। और वहीं अगर इसके ऑटोमेटिक माइलेज में आपको 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर की देखने को ऑटोमेटिक इंजन में माइलेज देखने को मिलेगा,
दोस्तों जिनेवा मोटर शो में इस कार को शोकेस किया गया था। वहाँ इस कार को फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में देखा गया था, लेकिन इंडियन मार्केट में जो कार एसयूवी लॉन्च होगी वो फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में नहीं आएगी, ये टू व्हील ड्राइव की ऑप्शन में ही आने वाली है। और अभी की विटारा विरिज एसयूवी में पेट्रोल इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलती थी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विटारा विरिजा से डीजल इंजन की कमी देखने को मिलता था। लेकिन अब जो 2021 की मारुति सुजुकी विटारा विरिजा आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको डीजल इंजन के साथ पेट्रोल हाइब्रिड इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है, जो कि विटारा विरिजा एसयूवी के चहेते थे उनको काफी खुशी मिलने वाली है, जो कि मारुति सुजुकी के लिए काफी सही होने वाला है। और ये डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको ये डीजल इंजन 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा, जो कि BS6 नाम के साथ 94 PS के करीब पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये डीजल इंजन आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल ऑप्शन में भी अवेलेबल होने वाली है। दोस्तों वहीं थोड़ा ध्यान दे इसके इंटीरियर की तरफ, तो 2021 मारुति सुजुकी विटारा विरिजा एसयूवी कार के इंटीरियर को पहले के ज्यादा काफी स्पेशियस और काफी प्रीमियम बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जो कि कनेक्टिविटी जिसमें आपको यूट्यूब भी मिल जाएगा और स्मार्ट कनेक्टिविटी कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा, जिसमें कि आप अपने गाड़ी के हर एक फीचर्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपको न्यू डिजाइन सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक नई स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, जो कि काफी सॉफ्ट होगी और सुजुकी की बेजिंग के साथ लैस होगी। और ये स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग होने वाला, यानी पूरा विंडो कंट्रोल और पूरा म्यूजिक कंट्रोल आपके हाथों में होगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में 7 इंच तक की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन, जिसमें कि आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, 5 सीटिंग अरेंजमेंट, हीटेड एंड वेंटेड सीट, वॉइस कमांड, सेफ्टी फीचर्स, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर निकलते आ रही है कि न्यू विटारा विरिजा एसयूवी कार में सनरूफ की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहले वाली विटारा विरिजा एसयूवी में ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एसयूवी के सेगमेंट में जो स्मार्ट फीचर्स आ रहे हैं उसे देखते हुए मारुति ने विटारा विरिजा एसयूवी को काफी अच्छे से डिजाइन देने के साथ साथ एक मस्कुलर लुक दिया है। तो ये थे इसके इंटीरियर की फीचर्स। वहीं अब बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी की, तो 2021 मारुति सुजुकी की अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन मारुति विटारा विरिजा एसयूवी कार के सेफ्टी में आपको सेफ्टी फीचर्स भी इस एसयूवी कार के काफी बढ़िया हैं, लेकिन अब जो आने वाली विटारा विरिजा है उसको और भी ज्यादा काफी पावरफुल बनाया गया है। बिकॉज इस कार को 4 स्टार की रेटिंग मिली है, बाकी सारे कार को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मिड क्वालिटी में विटारा विरिजा एसयूवी काफी बढ़िया है, जो कि इस कार की बॉडी है वो आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही आपको इसके सेफ्टी में 6 एयरबैग, 360 डिग्री व्यू कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल लॉन्च असिस्टेंट, डाउनहिल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक असिबिलिटी प्रोग्राम, एंटी थैप अलार्म सिस्टम। तो सेफ्टी के मामले में भी आपकी विटारा विरिजा काफी बहुत सही होने वाली है। और ये जो सेफ्टी के फीचर्स हमने आपको बताए हैं, ये सारे फीचर्स आपको टॉप मॉडल में अवेलेबल होंगे। आप जैसे जैसे बेस मॉडल में आते जाओगे वैसे आपके फीचर्स डिस्कवर होते जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इसके सेफ्टी के फीचर्स। अब जो इसकी मारुति सुजुकी विटारा विरिजा एसयूवी कार की लॉन्च होने वाली है वो होने वाली है इंडियन मार्केट में 2021 के लास्ट या 2022 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मुकाबला महिंद्रा की XUV300, किया की सेल्टस, हुंडई की क्रेटा, निसान की मैग्नाइट जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होगी। तो फाइनली इसकी कार की प्राइस इंडियन मार्केट में एक अनुमान के अनुसार जो इसका बेस मॉडल होने वाला है वो 8 लाख से शुरू होकर, स्टार्टिंग प्राइस इसकी बेस मॉडल की 8 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मारुति सुजुकी की नेक्स्ट मॉडल मारुति विटारा विरिजा एसयूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को